आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत कर देते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। भाजपा नेता और सिपाही के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद, नाराज बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंचे। कबाड़ से सजेंगे मेरठ के 6 बड़े चौराहे, मेरठ नगर निगम गांधी आश्रम चौराहे पर सफल हुआ प्रोजेक्ट, आयरन स्क्रैप से बनाया फव्वारा। मुजफ्फरनगर जिला जेल में क्षमता से 3 गुना अधिक बंदी, सजा याफ्ता 40 बंदी बरेली शिफ्ट करने से भी समाधान नहीं। गाजियाबाद के मोदी नगर में सड़क हादसे में 2 इंजीनियरों की मौत, 2 घायल, कार को वाहन ने मारी टक्कर, रोहतक से हरिद्वार जाते समय हादसा। कानपुर के कॉल सेंटर संचालक को गोली मार के 5.5 लाख रुपए लूटे, कानपुर में रिश्तेदारों से रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, जान में जुटी पुलिस। औरैया में विचित्र पहल, सेवा समिति ने किया पौधारोपण, बच्चे के नाम से किया गया था पौधे का नामकरण, देखभाल का लिया संकल्प। आगरा में एटीएम तोड़ने पर पिटाई का वीडियो वायरल, कैश बॉक्स खोलने पर प्रयास करते पुलिस ने पकड़ा, पिटाई के बाद पहुंचा हवालात। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद विधायक ने बाढ़ का लिया जायजा, मंत्री के बाढ़ प्रभावित गांवों के दौरे पर कसा तंज, कहा राहत पैकेज के घोषणा की उम्मीद। मैनपुरी में रेप पीड़ित के आरोपी को 20 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना, 2018 में किया था किशोरी के साथ रेप। हमीरपुर में 90 गांव बाढ़ से प्रभावित, निरीक्षक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री राकेश सचान, बोले किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, मुआवजा दिलाने की बात कही। मिर्जापुर नाव पर लगी आग, नाविक बना आग का गोला, मछली मारते समय हाई टेंशन तार से हुआ हादसा, नाविक गिरा पानी में, तलाश जारी। मुरादाबाद में डिजाइनों को एक्सपोर्ट की सील खोलकर आईएएस हुगली ट्रांसफर के बाद 12 कर्मचारियों की नौकरी दी। बदायूं में बुजुर्ग को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती ट्यूबवेल की रखवाली करने गए थे बुजुर्ग, 2 दिन पहले हुआ था झगड़ा। चंदौली में दुष्कर्मियों को 12 साल की सजा, 10,000 रुपए लगा जुर्माना, 4 साल पहले किशोरी के साथ किया था रेप। फरुखाबाद में सीएमओ सहित 3 कोरोना पॉजिटिव, रोज 900 लोग की हो रही है जांच, 45 केस एक्टिव। अंबेडकर नगर में 5 पुलिसकर्मी निलंबित, ढाबे पर खाने के पैसे मांगने पर सिपाही और ढाबा मालिक में हुआ विवाद। उन्नाव में गंगा के जलस्तर में 23 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी, निचले इलाके की सरहद में पहुंचा पानी, बाढ़ केंद्र का ताला खुला। गाजीपुर में 295 विद्यालय का अब तक नहीं हो पाया है ध्वस्तीकरण, 403 बेसिक स्कूलों को किया गया था जर्जर घोषित। फिरोजाबाद में अब सड़क पर खड़े नहीं होंगे ऑटो, क्लब चौराहा और कोटला चुंगी पर बन रही है पार्किंग, टुंडला से राजा का ताल तक जाएंगे। बदायूं में बसपा जिला अध्यक्ष पर रुपए लेने का आरोप, टिकट दिलाने के नाम पर वसूले 10 लाख, सीएम से शिकायत।
बागपत में दबंगों ने छात्र पर बोला हमला, छात्रों से छेड़छाड़ करने का आरोप, एक छात्र गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ में कार बाइक की टक्कर, 5 की मौत, कार डिवाइडर से टकराकर चार बार पलटी। बारामकी में कंपोजिट विद्यालय से कक्षा 7 का छात्र हुआ गायब, दोपहर में लंच करने के बाद ढूंढता रहा छोटा भाई। छात्रों को गांजा सप्लाई करने वाले 3 गिरफ्तार, मेरठ और आसपास के जिलों में ऑन डिमांड सप्लाई करते थे गांजा। बस्ती में पुलिस की गाड़ी से हुआ दूसरी कार की टक्कर, युवक को दबाव में लेने के लिए सरकारी गाड़ी को तोड़ती दिखी पुलिस। गंगा यमुना में उफान से लोगों का पलायन, लगातार बढ़ते जलस्तर से कानपुर में बाढ़ का खतरा मंडराया, 537 गांव बाढ़ में डूबे। हरदोई ट्रैक्टर हादसा, 2 लापता, 4 की मौत, नदी में दोनों ओर 15 किलोमीटर तक लगाया गया जाल। फतेहपुर में बाढ़ ने मचाई तबाही, कानपुर बांदा मार्ग पर पानी भरने से ट्रैफिक बंद, 2 दर्जन गांवों में घुसा पानी। फतेहपुर में खेत में निकला 7 फुट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा, बाढ़ का पानी आने से निकल रहे हैं सांप। हिस्ट्री शीटर चाचा भतीजे ने की थी छात्र की हत्या, बाइक टकराने पर छात्र ने गुस्सा मारने आया था, गुस्सा आया तो मार दी गोली। औरैया में थाना परिसर में थाना दिवस का किया गया आयोजन, मौके पर थाना अध्यक्ष के अलावा बड़ी संख्या में राजस्व टीम मौजूद रही। बदायूं के नगर पंचायत आलापुर में कार्यकर्ताओं ने सुनी मंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात, भाजपा जिला महामंत्री शारदा कांत उर्फ शिबू भैया भी रहे मौजूद। औरैया पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए कहा यह हत्या नहीं आत्महत्या है। गाजियाबाद में पेड़ पर चली महिला को देख लोगों का जुड़ा हुजूम, पुलिस ने नगर निगम की गाड़ी से महिला को उतारा नीचे। गोंडा में खुद को जिंदा साबित करने के लिए भटक रहे हैं बुजुर्ग, कहा 500 रुपए की पेंशन दिला दो साहब। हमीरपुर में भयंकर बाढ़ के बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए बना राहत शिविर, बाढ़ पीड़ितों को रेस्क्यू कर रही राहत शिविर में भेजा जा रहा है। लखीमपुर खीरी की पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध डोडा के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार, लखीमपुर की खीरी थाना क्षेत्र का मामला। मथुरा पहुंचा यूपी सरकार के 3 मंत्रियों का दल, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा डग्गेमार वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई। शाहजहांपुर में प्रभारी मंत्रियों ने विकास भवन विकास कार्यों की समीक्षा का किया बैठक, समीक्षा बैठक में दिए गए आवश्यक निर्देश। संभल में पुलिस ने लूट का किया खुलासा, पुलिस ने 4 अभियुक्तों कैटर 1 बुलेरो के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में महिला ने 1 व्यक्ति पर छेड़खानी व मारपीट का लगाया आरोप, महिला ने थाने पर पहुंचकर दी तहरीर। संभल में पुलिस ने जुआ खेलते 6 अभियुक्त गणों, 3 कार, 12 मोटरसाइकिलों के साथ किया गिरफ्तार,
पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। सिद्धार्थनगर के बायो मेडिकल प्लांट में जन सुनवाई कार्यक्रम का हुआ समापन। कार्यक्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। अमेठी में सड़क दुर्घटना में युवक की हुई मौत। कस्बे में छुट्टा जानवरों के टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। चंदौली में महिला की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। सामने खड़ी पुलिस बनी रही तमाशबीन। अमेठी में अपने सांसद को नहीं पहचानता। गौतमपुर में तैनात लेखपाल युवक ने पिता की मौत के बाद पेंशन को लेकर सांसद से की शिकायत। फरुखाबाद में महिला चिकित्सक का सीओसीटी के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी को बचाने के लिए की अभद्रता। गोंडा में मुजैना सीएससी पर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। जंगली जानवर का निवाला बन गया नवजात शिशु। लखनऊ में डीसीपी पूर्व लेडी सिंघम की सक्रियता के चलते पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन कराने वाले गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार। श्रीवस्ती में कच्ची शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई। नेहा डीएम नेहा प्रकाश ने निर्देश पर ताबड़तोड़ छापेमारी। ताबड़तोड़ कार्रवाई से मचा हड़कंप। कल्याण सिंह की दूसरी प्रतिमा का अनावरण। लखनऊ में राजनाथ सिंह बोले छात्र जीवन में उनके आवास पर रहता था, याद कर हुए भावुक। सीतापुर में युवती की हत्या। गला काटकर खेत में मिला खून से लथपथ शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। फिरोजाबाद में पति ने पत्नी को नदी में धक्का दिया। आगरा बटेश्वर घूमने के बहाने ले गया था, बचकर पहुंची पत्नी ने दी जानकारी। बदायूं में 3 ऑटो लिफ्टर पकड़े गए, 8 बाइक बरामद। खंडवा गांव के रहने वाले हैं शातिर। गैंग के 2 सदस्यों की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में सचिन गौरव की पुण्यतिथि पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। 9 वर्ष पहले फूटी थी दंगे की चिंगारी। कव्वाल में हुई थी 3 हत्याएं। मेरठ में नीलम हत्याकांड के मुख्य कातिल अरेस्ट। जेठानी ने जेल में बंद दोनों बेटों के साथ की थी प्लानिंग। शूटर को दिए थे 5 लाख। बरेली में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 6 की मौत, 22 घायल। उत्तराखंड से दर्शन करके गुरुद्वारे आ रहे थे श्रद्धालु, टैंकर की टक्कर से हुआ हादसा। पीलीभीत जिला जेल पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापति। 1 घंटे 45 मिनट चला निरीक्षण। मंत्री बोले 81 साल बाद बदलेगा अंग्रेजी जेल मैनुअल। हाथरस में 3 साथी चोर गिरफ्तार। चोरी के 6 वाहन किए गए बरामद। अवैध असला और कारतूस भी मिला। बांसुरी कारीगरों से नहीं हुई पीएम की मन की बात। मायूस होकर लौटे पीलीभीत की घटना। सोनभद्र डीएम की अनोखी पहल। प्रत्येक सोमवार को लगेगा ग्राम समाधान दिवस। 80 नोडल अधिकारी रहेंगे करेंगे समस्याओं का निस्तारण। आगरा में दबंगों ने रिटायर्ड फौजी को पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। 16 दिन में नहीं कर पाई कार्रवाई। बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार। तीस लाख के स्कैम के साथ 2 शातिर गिरफ्तार। उन्नाव में चोरी की 8 बाइकें बरामद। आरोपी पर दर्ज है कई मुकदमे।
ड्रग माफियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, गोरखपुर से बोले सीएम, नशे के सौदागरों के खिलाफ निर्णायक अभियान से जुड़े युवा। कानपुर देहात में सड़क के किनारे मिला युवा का शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। डिलीवरी कराने को लेकर स्टाफ नर्स ने मांगी रिश्वत, 10,000 रुपए की रखी मांग, मरीजों के परिवार ने बनाया वीडियो, कड़ी कार्रवाई की मांग। बस्ती में मिले युवक युवती के शव, खेत में पेट के बल पड़ा था शव, लड़का लड़की के शव को दफना चुका था परिवार, रात को खोदी गई कब्र। बिजनौर में महंगाई के विरोध में आपने निकाली पदयात्रा, कहा बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान। चलौन में दुकानों तक पहुंचा यमुना का पानी, 50 गांव चपेट में, 24 गांव का मुख्यालय से टूटा संपर्क, 3 राहत शिविर बनाए गए। मुजफ्फरनगर में आपका प्रदर्शन, महंगाई पर सरकार को कोसा, तिरंगा यात्रा निकालकर कार्यकर्ताओं ने लोगों से परिवर्तन के लिए किया आगाह। ललितपुर में रेल की पटरी पर मिला युवा का शव, भाई बोला प्रयागराज गंगा स्नान करने गया था, लौटते समय ट्रेन से गिरकर हुई मौत। बुलंदशहर में महंगाई के विरोध में आपका हल्ला बोल, हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं, निकाली पदयात्रा। श्रीवस्ती में पुलिस को लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने 300 ग्राम चरस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बलिया में महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं ने ऑटो पर गैस का सिलेंडर लेकर शहर में निकाली पदयात्रा। देवरिया में बरसात के पानी को लेकर दो पक्षों में हुई खूनी जंग, संघर्ष में 2 लोगों की मौत, कई घायल। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप, देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर।